एशिया के दो देशों अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कल से युद्ध शुरू हो गया। अब तक 23 लोगों के मारे जाने और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और इस युद्ध में टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद खतरनाक ये है कि इस युद्ध में अजरबैजान के पक्ष में तुर्की खुलकर आ गया है, तो वहीं अमेरिका ने अर्मेनिया और अजरबैजान से संयम बरतने और तुरंत युद्ध बंद करने को कहा है। लेकिन अर्मेनिया ने आशंका जताई है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये दो देशों का युद्ध नहीं रह जाएगा, यानी विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अर्मेनिया ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें उसने अजरबैजान के टैंकों का विध्वंस किया है। इसके अलावा अर्मेनिया ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। दोनों ही देशों ने हमले में सामान्य नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। ऐसे में माना जाए तो इस युद्ध में और भी देश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारत का लगातार विरोध करने वाले तुर्की ने ये खतरा और भी बढ़ा दिया है। तुर्की के हस्तक्षेप के बाद रूस भी अर्मेनिया के पक्ष में खुलकर खड़ा होता दिख रहा है और उसने अर्मेनिया को अपना S-300 बेचने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अर्मेनिया का सीधा आरोप है कि तुर्की युद्ध को भड़का रहा है, क्योंकि इस युद्ध में तुर्की के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। रविवार सुबह से ही दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और रूस ने युद्ध को रोकने की अपील की है। रूस ने तो दोनों पक्षों से बात भी की है, तो वहीं बात करें इस युद्ध में भारत के किसके पक्ष में खड़े होने की, तो भारत तुर्की के अजरबैजान के साथ खुलकर खड़े होने के बाद भारत अर्मेनिया का साथ देगा, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया को दुश्मनी के मामले में इस धरती का दूसरा इंडिया पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर युद्ध होते आए हैं, उसी तरह अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच भी नागर्नो काराबख इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इस 4400 वर्ग किलोमीटर को अजरबैजान का घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहां अर्मेनियाई मूल के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे में माना जाए तो जिस तरह तुर्की मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान का खुलकर साथ दे रहा है और भारत के खिलाफ अब वैश्विक मंचों पर खुलकर जहर उगलने लगा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ ही खड़ा होगा। ऐसे में भारत को वैश्विक मंच पर चीन, पाकिस्तान, तुर्की के खेल को बिगाड़ना है तो अर्मेनिया का समर्थन करना पड़ेगा।